अफ़गानिस्तान में अब तालिबान का शासन आ चुका है। ऐसे में लोग वहाँ से जान बचाकर अलग अलग देशों में जा रहे हैं। भारत में भी कई लोग आए जिससे कुछ पत्रकारों ने बात की। इस वीडियो में आप उन लोगों से सुनिए अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालातों के बारे में। मोजो स्टोरी चैनल के पत्रकार ने कुछ अफ़गान महिलाओं से बात की और उनकी तालिबान को लेकर राय जानी। हम लोगों ने तो कल भी यही भी बात बताया कि अफ़गानिस्तान में हालत बहुत ख़राब है, हमारी फैमिली उधर फंस चुका है और सारी महिलाओं के साथ बदतर सलूक हो जाती है और बच्चे को मारती है, स्कूल नहीं जाने देती है, लड़कियों को भगाती है और मर्दों को जो सरकारी ऑफिस में था उन लोगों को बोलती है कि आ जाओ ऑफिस में, वापस आ जाओ, लेकिन जब ऑफिस होती है तो रात में होती है उन लोगों के घरों को उसका चेहरा मतलब देखती है कि ये क्या इसका काम था, इसका मतलब पावर कितना था कितना नहीं था, उसके घर का दिक्कत हो क्या था, ये सभी चेक करके फिर रात में जब होती है ये लोग निकलती है उसके घर जाती है, उसको अगवा करके उन लोगों को घर के उसका मतलब जिंदा और मर का पता नहीं होती कि उसका जिंदा है मर गई, उसका उसके लेडीज़ के साथ बहुत गलत सलूक होती है, बलात्कार होती है और मर्दों को मार देती है जो सरकारी दफ्तरों में है, और जो बंदे यूएन के साथ काम किया है उन लोगों को बदतर सलूक होती है उनकी फैमिली के साथ। हिंदुस्तान लाइव की पत्रकार ने अफगानिस्तान से आई फैमिली से बात की और उनकी तालिबान को लेकर सोच जानने की कोशिश की। यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आया था, जब हम देख रही हूँ तो गवर्नमेंट बहुत जल्दी से बदल गया, अभी हम परेशान हैं कि क्या करूं, वापस जाने के भी कोई एयरलाइन नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है, हम परेशान हैं अपनी फैमिली के लिए, हाफ फैमिली वहाँ रह गई और हाफ हमारे पास है, वो भी डरने से वहाँ नीचे अंडरग्राउंड गई, फायरिंग बहुत ज़्यादा है तो वो रात को सोते नहीं है, कहते सारी रात फायरिंग है, हमारा बदबख्ती ये है कि हमारा घर एयरपोर्ट के सामने है तो सारी रात हम बैठे हुए हैं बात करते हैं, वो बेचारे रो रहे हैं कि बाजार नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। अब मैं ये सोचती हूँ कि चलो हम तो निकल आए हैं, जो लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं 7th क्लास तक उन्होंने तालीम की इजाज़त दी है, उसके बाद लड़कियाँ क्या करेंगे, हर घर में घुसते हैं जो अनमेरिड लड़कियाँ उनके साथ शादी कर लेते हैं, तो उन बेचारों का क्या कसूर है, इस्लाम ने भी इजाज़त दी है कि लड़की अपने पसंद से शादी कर ले तो ये लोग ये भी नहीं छोड़ते, मैं मुझे ये समझ नहीं आती कि कैसे इस्लाम है इनकी। ऐसे ही BBC, NDTV और अन्य चैनलों ने भी अफगानिस्तान से आए लोगों से बात की, आप भी सुनिए वे क्या कह रहे हैं। सर एक्चुअली तो हमारा बिल्कुल उम्मीद और जिस दिल में खुशी था अफगानिस्तान हमारा कंट्री और मेरे हमारे हर किसी अफगान के दिल की उम्मीद था ख़त्म हो गया, और हमारा रिफ्यूजी जितना रिफ्यूजी इंडिया के अंदर है वो लोग तो 10-15 साल के वजह से ये लोग तालिबानी की वजह से जुल्म सितम की वजह से यहाँ पर रहती है ना, इसकी वजह से हम यहाँ आ गए आज के ये एम्बेसी अमेरिका एम्बेसी से रिक्वेस्ट करने के, एज़ अ रिक्वेस्ट एज़ अ ह्यूमन वी वांट टू हेल्प फ्रॉम दिस एम्बेसी, अमेरिका लोगों ने हमारे दर्द को महसूस कर सकती, उन लोग अफगानिस्तान के अंदर था हर चीज़ देख लिया, सितम देख लिया, जुल्म देख लिया, हमारा लेडीज़ के ऊपर जुल्म था, मर्दों के ऊपर जुल्म है ऑलरेडी भी, हमने सर सब कुछ गम देख के इंडिया आ गई, हम थक गए इस जुल्म से। I saw nothing. There was just like a little bit of traffic going on. Like the cars were more than usual and the people were just going to the banks and taking out the money because there is disbelief among the people. And just that. I didn't see any violence, but I cannot say that there was not violence. I just didn't see it. I am a student and I want to continue my studies. Yeah, 7 family members are left in Kabul. And yeah, I'm very worried about them because it's natural. When you leave somewhere which is not secure, it is something natural to worry about them. But while returning, we faced a very lot of bad situation while coming to the airport. The traffic is very, very heavy. We can't explain about the traffic. We walked around 2.5 kilometers. Walked for 2.5 kilometers? Yes. Fully it was blocked. Not only me, many people are walking even 3 kilometers also. But if Taliban come, they don't know how they will behave. So they were worried. They are telling that you are happily going to India, where we will go. This is our motherland. Afghanistan se roz कोई ना कोई खबर तालिबान को लेकर आ रही है। देखना ये होगा आने वाले दिनों में तालिबान क्या करेगा। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।